हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में बात करेंगे कुसमरा गांव की, और उससे पहले जानेंगे कुसमरा के पास से एक बड़ी नहर निकलती है, नहर के पुल के ठीक ऊपर हम खड़े हैं, और इस वीडियो में साथ देने वाले हैं हमारे साथ टिंकू भाई, और इसी नहर पर मिले हैं हमको एक अंकल जी, आइएगा उनसे भी मिलाते हैं। ये है हमारे साथ एक अंकल जी, जो कि मैं अभी पीछे जो पीछे वाला आप देख रहे हैं, जो पुराना वाला रोड है, मैं इस रोड के ऊपर खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे थे, लेकिन अंकल जी बोले कि नहीं आइएगा इधर से, आइएगा इधर से वीडियो बनाते। तो अंकल जी का पहले नाम जान लेते हैं, अंकल जी नाम बता दीजिए। डॉक्टर आदित्य सक्सेना। डॉक्टर आदित्य सक्सेना जी हैं। तो फ्रेंड्स, अभी डॉक्टर साहब से बात करेंगे और अभी फिलहाल आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा हमारे पीछे जो नहर है, और ये जो नहर बड़ी नहर कही जाती है यहाँ पर, लोअर मतलब छोटी गंगा नहर इसको बोलते हैं, और ये कुसमरा की एक मुख्य नहर है, और यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूर पर कुसमरा गांव है। तो जानेंगे कुसमरा गांव के बारे में, पूरी चर्चा करेंगे। तो आइएगा पहले कुछ बातें कर लेते हैं डॉक्टर साहब से, और यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं वो डॉक्टर साहब अच्छे से बताएंगे, क्योंकि हमारे पीछे आप इधर से देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, एक आपको कोठी सी दिख रही होगी, काफ़ी पुराना है, अंग्रेजों के ज़माने का बताया जाता है। यहाँ पर कुछ आर्मी जैसी की भर्ती कुछ हुआ करती थी देश के लिए, तो उसके बारे में डॉक्टर साहब यही लोकल के रहने वाले हैं, तो ये पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा इसमें, और वीडियो को कट बिल्कुल मत करिएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके। तो चलिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करता हूँ। ये हैं देखिए, छोटी गंगा कही जाने वाली, और अभी जिनको हम बोल सकते हैं उफान पे हैं, अगर जो इधर से दिखाएं तो उस पर से दिख रहा था कि ये वाला जो नया ब्रिज बना है इसके ठीक टच होते हुए जा रहा है पानी, तो उस पार से एक बार दिखा सकते हैं। तो चलिएगा अभी उसको भी दिखाएंगे। तो ये है जो आर्मी के लिए बताया जाता है, यहाँ पर कुछ भर्ती वगैरह होती थी। तो आइए सीधा डॉक्टर साहब से बात करते हैं, और डॉक्टर साहब इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आप लोगों को। इसके साथ हम आपको जो कुसमरा गाँव है उसको भी दिखाएंगे, इसी वीडियो में दिखाएंगे। और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने भी बताया कि एक जादुई खम्भा है, उस खम्भे को भी इसी ब्लॉग में दिखाएंगे। तो सच में इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में, और पूरा देखिएगा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। ये जो मैनपुरी जनपद का गांव है कुसमरा, उसी में है ये जादुई खम्भा। ये है हमारे साथ डॉक्टर साहब, और बताएंगे आपको यहाँ की कुछ और मज़ेदार बातें। तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं नहर के ऊपर, जो छोटी गंगा नहर है उसी के पुल के ऊपर खड़े हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स। और बताइए, जो एक यहाँ पर पीछे बिल्डिंग दिख रही है आपके, जी, ये वाली, ये वाली, ये जो बिल्डिंग है, हाँ, तो इस बिल्डिंग का क्या रहस्य है? ये वैसे रहस्य कोई विशेष नहीं है, लेकिन ये पुराने जमाने की बिल्डिंग है, और यहाँ पे अंग्रेजों के अधिकारी वगैरह, अफसर वगैरह जो है रुका करते थे आके, और यहाँ पे एक जमाने में जो मिलिट्री की जो भर्ती हुआ करती थी वो अंग्रेज जो किया करते थे, जी जी, वो होती थी यहाँ पे। अब चूंकि कोई केयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो बस टूटा फूटा सा बिल्डिंग खड़ी हुई है। इसको धरोहर रखना चाहिए था, एक और सामने बनाया गया है, तो अभी सरकार को, हाँ, ऐतिहासिक स्थल है ये, तो मतलब काफी। और अब रही बात इसके आगे, जस्ट थोड़ा सा एक फलांग की दूरी पे दो पोल खड़े हुए हैं जी, वो जिधर से आप जाएंगे तो उधर आपको झुके हुए प्रतीत होंगे, जबकि वो हैं सीधे, हैं सीधे। और जिधर से आप देखेंगे उधर ही झुके हुए दिखेंगे, उधर ही झुके हुए दिखेंगे। बहुत से दूर दूर से लोग आके देखने आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग देखने आए हैं। अच्छा, ये अभी नया पुल बन गया है, वो वाला पुराना पुल था, इसको लोअर गंग नहर बोलते हैं। लोअर गंग नहर तो छोटी गंगा बोलते हैं। अभी जो गंगा जी है, जो आपकी जो नहर है, काफी ऊपर है एकदम से, ये गंगा जी से ही निकली हुई है। अच्छा अच्छा, गंगा जी से ही निकली है। गंगा जी से ही निकली हुई है, काफी मतलब बाढ़ में इस टाइम ये नया वाले पुल के लगभग टच हो रही है, मतलब थोड़ी जगह बची है। बस 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 बस, इसको ये ग्राम ढंडौस है, ग्राम ढंडौस ये वाला, जी जी जी, ये पीछे वाला जो पीछे वाला गाँव दिख रहा है, ये ग्राम ढंडौस है, और ये कुसमरा में ही लगता है। अच्छा अच्छा, अरे कुसमरा गांव है या नगर पंचायत? नगर पंचायत है, नगर पंचायत, नगर पंचायत है, और बहुत बड़ी नगर पंचायत है। लग कितनी जनसंख्या होगी यहाँ पर? कुसमरा में तो करीबन नहीं तो 25-30 के पार है। अच्छा, ये यहाँ का जो पिन कोड क्या है वो अंकल जी? 20-53-04।
20-53-04 जो है कुसमरा का पिन कोड है, और यहाँ का जो वाहन पंजी का संख्या है तो वो UP 84 है, और ये भारत का राज्य जो उत्तर प्रदेश है उसका जो एक जिला मैनपुरी है उसी का एक नगर पंचायत है जिसको कुसमरा कहते हैं। और कुसमरा में कई सैकड़ों की संख्या में आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो लगते हैं और यहाँ पर मार्केट करने के लिए आते हैं। तो चलिएगा दिखाते हैं, आगे चलेंगे तो कुसमरा गांव को भी दिखाएंगे, नगर पंचायत है उसको भी दिखाएंगे, एक मिनी शहर उसको बोलेंगे। तो यहाँ पर एक जादुई खंभे हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग देश भर से देखने के लिए आते हैं ऐसा कहा जाता है। तो चलिए हम लोग भी एक बार उसको देखते हैं। सामने आपको फ्रेंड्स ये दो खंभे दिख रहे हैं, वो कुछ सीधे हैं लेकिन जादुई खंभे हैं, इनको सामने आप देख सकते हैं कि हम जिधर भी जाते हैं उधर को ही ये झुके हुए दिखते हैं सामने का। अभी आप देखिए हम फ्रेंड्स पे बिल्कुल सादे एकदम से सामने आ चुके हैं, तो ये हमको अब बिल्कुल सीधे दिख रहे हैं, और इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये हमको झुके हुए दिखेंगे। फ्रेंड्स ये कुसमरा में दो खंभे हैं, इन जो सामने आप देख रहे हैं ये एक जादुई खंभे हैं इनको लोग बोलते हैं, क्योंकि अभी मैंने भी देखा है, हमने इस वीडियो में दिखाया भी है, दूर से आपको शायद कम समझ में आ रहा होगा कि आप ये जिधर को जाते हैं उधर ही झुके हुए दिखते हैं आप, थोड़ा इधर रहें तो इधर झुके मिलेगा, राइट में होंगे तो राइट में, लेफ्ट होंगे लेफ्ट में, मतलब आप जिस दिशा में होंगे उधर ही ये खंभे जो हैं पूरे झुके हुए दिखते हैं। बल्कि ये जब मैं पास से जाके ये देख रहा हूँ, अभी आपको देखिएगा तो बिल्कुल ये सीधे खंभे दिखते हैं ऐसा, इसमें क्या है कि उस खंभों को देखने के लिए काफ़ी दूर से लोग आते हैं। हाईवे बन रहा है कुसमरा से निकल रहा है, जो बेवर टाबा हाईवे है उसको दोबारा से बनाया जा रहा है, रिपेयर हो रहा है, तो उसी का ये काम चल रहा है पूरा। चुके हैं कुसमरा का जो गांव है नगर पंचायत के रूप में जाना जाता है, तो मैं उसी के अंदर आ चुका हूं, और यहां पर से ये जो है देख सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ आपको अभी फ़िलहाल में ज़्यादातर आवासीय मकान देखने को मिल रहे हैं। आगे हम जैसे ही रामनगर चौराहा पर पहुंचेंगे जो मैनपुरी के लिए रोड जाता है, वहाँ से हमको सीधा मेन मार्केट देखने को मिल जाएगी। तो अभी ये महाकव देव इंटर कॉलेज के सामने से मैं निकला हूँ, यहाँ पर जो कुसमरा का है इंटर कॉलेज, तो वहीं से मैं अभी निकला हूँ और सीधा पहुँच रहा हूँ रामनगर मैनपुरी चौराहा जो है वहीं पर पहुँचने ही वाला हूँ। और यहीं पर देख सकते हैं आपको कई जनसेवा केंद्र और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। शाम का समय है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर एक लोकल की जो मार्केट है काफ़ी बड़ी मार्केट देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र रहता है ये वाला। और यहाँ पर स्टेट बैंक भी सामने आपको देखने को मिल जाती है मैन, और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक भी आपको देखने को मिल जाएगी, यहीं पर दोनों बैंकें जो है लगी हुई हैं। रामनगर और मैनपुरी चौराहा कहा जाता है, सामने आप चले जाते हैं तो ये सीधा रामनगर के लिए चले जाएंगे, सौरिक भी इधर ही से निकल जाएंगे और छिबराऊ के लिए भी निकल जाएंगे। सामने जाएंगे तो आप सीधा बेवर चले जाएंगे, और ये वाला जो रोड है इस पर अगर जो आप जाएंगे तो सीधा मैनपुरी के लिए चले जाएंगे आ रही है। इधर का जो जाते हैं आप सीधा तो किसनी और इटावा के लिए चले जाते हैं, बेवर के लिए जाता है, बाईपास है। आ चुके हैं जो कुसमरा का मार्केट है, ये फ्रेंड कुसमरा के माइन मार्केट में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको रोड के दोनों तरफ बंदर देखिए, यहाँ पर कैसे देखिए मजे करते हुए बंदर एकदम से तारों के ऊपर से झूलते हुए, जो बंदर जो है हर जगह इसी तरीके से हरकतें करते हैं और लोगों को काफ़ी परेशानी भी होती है भाई, खुद मेरी घर की केबल कई बार तोड़ देते हैं ये लोग, तो ऐसे ही आपको हर जगह मिलते हैं। कुसमरा में भी इसी तरीके से बंदर देखने को मिले। चलिएगा चलते हैं फिर आगे की बात करते हैं। कुसमरा का जो मेन मार्केट है, रोड के दोनों तरफ आपको कमर्शियल मार्केट देखने को मिल जाता है, काफ़ी सुंदर मार्केट है, और ये एक नगर पंचायत के रूप में जाना जाता है। ये जो है भारत के राज्य उत्तर प्रदेश जिला मैनपुरी का एक नगर पंचायत कस्बा है, जिसको गांव ही लोग ज़्यादातर बोलते हैं, इसका बाहर अंदर का जो दृश्य है काफ़ी सुंदर है आप देख सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कुसमरा है आपको कैसा लगा है यहाँ पर, और सभी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, कई छोटे बड़े शोरूम भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ की अगर फसल की बात करें तो यहाँ का जो है सबसे ज़्यादा गेहूं और आलू की फसल वही जाती है, मक्का भी होती है,
और धानी की भी फसल यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि नहर का किनारा है, छोटी गंगा यहाँ से निकली हुई है, तो यहाँ पर पानी की कभी कमता ही नहीं रहती है, पानी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो ये पूरा मार्केट है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कुसमरा का मार्केट है वो आपको कैसा लगा। इसके नज़दीकी शहर की बात करें तो इसका नज़दीकी शहर है जो बेवर है, और इसका जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन की बात करें तो भोगांव पड़ता है, इसके बाद है सीधा मैनपुरी जंक्शन पड़ता है जो कि इसका नज़दीकी सबसे रेलवे स्टेशन है। और वहीं पर ये दिल्ली से इसकी दूरी की बात करें तो लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर ये शहर है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो ये लगभग 220 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। फ्रेंड्स, अभी जो आप देख रहे थे अंदर से हम आए थे, ये पूरा अंदर का दृश्य था। तो अभी हम चलेंगे, एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इसका जो बाहर का बाईपास है उधर से भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये औड़ा शुक्ला स्मार्ट द्वार बना हुआ है ये वाला, ये जो है सब्जी मार्केट लगता है, ये कुसमरा का सब्जी मंडी है। ये वाली जो है पूरी आप देख सकते हैं रोड के किनारे जो बाईपास है वहीं पर ये सब्जी मंडी लगती है पूरी। ऑफ इंडिया का जो है मिनी ब्रांच है, और यहाँ पर भी आपको बाईपास पर भी इनका देख सकते हैं कि आपको और मार्केट देखने को मिल ही जाती है। ये जो एक देखिए भाई, जैसे हम बात कर रहे थे कि शोरूमों की, तो ये देखिए एक मिनी बाज़ार है यहाँ पर, लगभग सभी ज़रूरत की चीज़ें इस वाले शोरूम में मिल जाती हैं। जो है कुसमरा का सरकारी हॉस्पिटल है जिसका बाहरी दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं ये वाला। ये है कुसमरा का बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, इसका बाहरी दृश्य कुछ इस प्रकार से है। नगर कुसमरा नगर पंचायत में बात करें तो लगभग सभी जात और धर्म के लोग निवास करते हैं, सभी लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। काफ़ी अच्छा और सुंदर एक नगर पंचायत है, तो हमको तो काफ़ी अच्छा लगा है ये नगर पंचायत सुंदर। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। तो अभी चलिएगा फ्रेंड्स, हम चलते हैं सीधा रामनगर की ओर, यहाँ से मैं प्रस्थान करूँगा रामनगर की ओर। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कुसमरा पर बनाया गया है वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।